10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट शुगर। नंबर 1, शुगर का जन्म 9 मार्च 1993 को डेगू साउथ कोरिया में हुआ था। नंबर 2, शुगर का इंटरेस्ट रैपिंग में तब बढ़ना शुरू हुआ जब उन्होंने स्टोनी कंग्स का सॉन्ग रैगे मफिन्स को सुना था, और बाद में जब उन्होंने एपिक हाई का हिट सॉन्ग फ्लाई को सुना था तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनको एक रैपर ही बनना है। नंबर 3, शुगर BTS ग्रुप के मेन रैपर भी है। नंबर 4, बिग हिट्स एंटरटेनमेंट को ज्वाइन करने से पहले शुगर एक अंडरग्राउंड रैपर थे और उनका स्टेज नेम था ग्लॉस। 2010 में शुगर जब हिप हॉप ग्रुप डी टाउन के मेंबर थे तब उन्होंने ग्वांगजू विद्रोह के याद में 518062 इस गाने को बनाया था। नंबर 6, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शुगर ने बिग हिट्स एंटरटेनमेंट को एज अ मेंबर और एज अ आइडल नहीं एज अ प्रोड्यूसर हिसाब से ज्वाइन किया था। नंबर 7, 2010 में बिग हिट्स एंटरटेनमेंट ने हिट इट नाम का एक रैप ऑडिशन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें शुगर ने सेकंड प्लेस हासिल किया था। नंबर 8, शुगर ने बताया कि उन्हें बचपन में म्यूजिक से बहुत प्यार था पर उन्हें कभी भी स्कूल में टेक्स्ट बुक से म्यूजिक सीखना पसंद नहीं था। नंबर 9, शुगर पहले ड्रेसेस पहनते थे। नंबर 10, शुगर की पेल स्किन टोन होने की वजह से उन पे ऑलमोस्ट हर हेयर कलर सूट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा।